जहाँ चाह वहाँ राह, ये प्राथमिक विद्यालय मंदैया है जो कि अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों को लगातार चुनौती दे रहा है, क्योंकि इस स्कूल को पूरी तरीके से मॉडल स्कूल बनाया गया है। जी हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय है, ये कोई अंग्रेजी माध्यम की स्कूल नहीं है, जिसे यहाँ के लोगों ने दान दे के बनवाया है। यहाँ पे चंदा इकट्ठा करके सभी लोगों ने दान दे के बनवाया है ये स्कूल। न तो सरकारी मद से बनाया गया है, सरकारी मद से न इसमें खर्च किया गया है और न ही किसी ने अपना सहयोग दिया है। यहाँ पे इस स्कूल को बनाने के लिए यहाँ के अध्यापकों ने और क्षेत्रीय लोगों ने सहयोग दिया है, जिसकी वजह से स्कूल बनाया गया है। हमारे साथ स्कूल के शिक्षा मित्र हैं, हम इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से काम कराया गया है और यहाँ पे किस तरीके से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस तरीके से पूरा स्कूल मॉडल स्कूल बनाया गया है और किसका किसका सहयोग रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील अग्रधी है। जी, इस स्कूल को इतना हाईटेक बनाया गया है, यहाँ पे वीडियो प्रोजेक्टर है, यहाँ पे हाईटेक तरीके से टीवी लगाया गया है, यहाँ पे झूला बनाया गया, तो किस तरीके से बनाया गया है और क्या सोच रही होगी इसको बनाने? सोच सर, एक समाज में जो विद्यालय के प्रति, सरकारी विद्यालय पर जो सोच गड़बड़ है, उसी को बदलने के लिए बनाया गया है। हमारे मंत्री जी माननीय सतीश द्विवेदी जी का भी कहना है कि आप लोग किसी जन सहयोग के माध्यम से आप एक विकास करें, विद्यालय का काम करवाएं। ठीक, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने हमारे स्टाफ ने सब ने मिलकर अपने जो भी गांव के लोग हैं उनको जागृत किया और उनसे विद्यालय के प्रोग्रेस के लिए प्रोजेक्टर, टीवी, फर्नीचर्स, जो भी सामान बन पड़ा सब ने हमको दान किया और अच्छे से विद्यालय आप देख ही रहे हैं कितना अच्छे से और कितना अच्छा बनाया गया है। ये सब हमारे ग्रामीणों के सहयोग से और बना हुआ है। जी, अभी आप देखेंगे काफ़ी सरकारी स्कूलें रहते हैं जो ख़राब रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या आपकी सोच रही होगी, क्योंकि बिना सोच के तो कुछ होगा नहीं, तो आपका क्या सोच रहा होगा बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाए? हम चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से नई तकनीक आ रही है हमारे बच्चे नए ढंग से पाएँ, नए ढंग से एजुकेशन ग्रहण करें। और रही बात अन्य विद्यालयों की, तो हम अन्य विद्यालयों के लिए भी निवेदन करेंगे कि वो भी अपने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, गांव के गणमान्य व्यक्तियों से सहयोग माने और वो देने के लिए इच्छुक हैं। आप एक बार उनसे पहल तो करिए, आप जब पहल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सहयोग करेंगे। जी, हमारे साथ शिक्षा मित्र थे जिनका कहना है कि आप सभी लोग अपने विद्यालयों को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बस एक पहल की ज़रूरत है। अगर वो पहल आप करेंगे तो विद्यालय बनेगा और ज़रूर बनेगा, क्योंकि शिक्षा के लिए कोई धन देने से ऐतराज़ नहीं करता, क्योंकि इससे लोगों का भविष्य बनता है। हो सकता है इस विद्यालय से पढ़ के कोई बच्चा जाके कल IAS बन जाए, तो कोई जाके यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाए, तो कोई मुख्यमंत्री बन जाए। तो शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा मॉडल तरीके से बदलते रहना चाहिए, इसको लेकर यहाँ के अध्यापकों ने सोचा और पहल किया, जिसके बाद ये मॉडल स्कूल बनके तैयार हुआ। मिर्जापुर से ग्लोबल भारत के लिए प्रमोद तिवारी के साथ मुकेश पांडे की रिपोर्ट।